नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 100 क्विंटल चावल का ऑर्डर दिया है। इसका इस्तेमाल अक्षत पूजा में किया जाएगा और फिर देश भर में भगवान राम के भक्तों के बीच इसे वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही 1 क्विंटल पिसी हुई हल्दी और देसी घी भी मंगवाया गया है, जिसे विधि विधान से चावल में मिलाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षत को रंगने के बाद इसे पीतल के कलश में रखा जाएगा, जिसे 5 नवम्बर को पूजा अर्चना के दौरान भगवान राम के दरबार के सामने रखा जाएगा। फिर चावल को विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इसके अलावा राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में 2 करोड़ से अधिक पर्चे भी छपवाए गए हैं। इन्हें चावल के साथ देश के हर घर में भेजा जाएगा। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने मंगलवार को कहा है कि सभी राज्यों से विहिप प्रतिनिधियों को 5 नवंबर को अयोध्या बुलाया गया है। प्रत्येक प्रतिनिधि को 5 किलो चावल दिया जाएगा। वे अपने अपने मंदिरों में इसकी पूजा कर जिले के प्रतिनिधियों को देंगे। इसके बाद इसे ब्लॉकों, तहसीलों और गाँवों में लोगों को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि 1 से 15 जनवरी तक देश के 5 लाख गाँवों में पूजित अक्षत यानी कि पूजा किया गया वाला चावल वितरित किया जाएगा। विभिन्न इलाकों के मठ मंदिरों में भी त्यौहार मनाने की अपील की जाएगी। देश भर के 50 केंद्रों के कार्यकर्ता पूजित चावल को विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाएंगे। इस बीच देश भर से भगवान राम के भक्त लाइव फीड के जरिए राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने हर गांव और कस्बों के मंदिरों में टेलीविजन स्क्रीन लगाने की व्यवस्था की है। वहीं ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा है कि इससे अयोध्या में पर्यटकों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। देश भर में श्रद्धालुओं के लिए अपने अपने गांव के मंदिरों में भजन कीर्तन करने की व्यवस्था भी की गई है।